इस आज की स्टडी में आपको गोरी पिक्चर को यूज़ करने का सही तरीका बताने वाला और इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और इसको छोड़ने के बाद स्किन के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर प्लीज़ एंड तक देखें। कई बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है एक्चुअल में क्या है कि गोरी क्रीम जो होती है ना वो इस्तेमाल तो करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो क्रीम को स्टॉप करते हैं ना तो उनकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट हो जाता है, उनकी स्किन सावली होने लगती है। बस एक चीज़ तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जो कि आपके चेहरे को परमानेंट गोरा करे। बस क्रीम का काम यही होता है कि जो आपके स्किन के ऊपर जो सावलापन आता है ना, जो आपके स्किन के ऊपर जो टेनिंग आती है ना, उनको रिमूव करना और आपके स्किन को एक अच्छा ग्लो प्रोवाइड करना है। कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जो कि आपके चेहरे को हमेशा के लिए गोरा कर देती है। बट बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हम क्रीम इस्तेमाल करेंगे हमारे स्किन के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम क्रीम को स्टॉप करेंगे तो हमारी स्किन वैसी गोरी रहेगी। बट ऐसा नहीं है, जैसे आप क्रीम को स्टॉप करोगे ना तो आपकी स्किन वापस सावली होने लग जाएगी। लेकिन क्रीम यूज़ करने का एक तरीका होता है, एक सीक्रेट होता है जो कि एक्चुअल में हर किसी को नहीं पता होता है। गाइस अगर आप गोरी क्रीम को इस्तेमाल करते ना तो आप इसको रिजल्ट आने तक कंटिन्यू यूज़ कीजिए, आपको 1 मंथ में या 2 मंथ में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस क्रीम को ना वीकली तीन टाइम यूज़ करना है, उससे क्या होगा आपका जो रिजल्ट है मेंटेन रहेगा। वैसे कोई भी कोई ना कोई तो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आप गोरी क्रीम को इस्तेमाल कीजिए, उससे क्या रहेगा आपका स्किन का कंडीशन भी अच्छा रहेगा और उससे क्या होगा आपकी स्किन सावली नहीं पड़ेगी और आपका रिजल्ट मेंटेन रहेगा और आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप इस क्रीम को एकदम से स्टॉप करते हो तो आपकी स्किन काली होने लग जाएगी। अभी बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम इसको लाइफ टाइम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट हो गया नहीं, तो गाइस जो ओरिजिनल जो गोरी क्रीम होती है ना उससे आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डुप्लीकेट क्रीम मार्केट में मिलती है, अमेज़न पर मिलती है, मीशो पर मिलती है ना, उससे आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन होता है। अगर आप ओरिजिनल क्रीम इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत से लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर ओरिजिनल क्रीम हमको कहाँ पे मिलेगी, तो गाइस देखो जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर कंपनी के ऑफिसर सेलर का नंबर दे रखा है ना, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ओरिजिनल क्रीम मिल जाएंगी, ठीक है। और इसको यूज़ करने का जो तरीका होता है ना, एक सिंपल होता है, इसको आपको इस क्रीम को ना ओनली नाइट में इस्तेमाल करना है, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपनी स्किन को वॉश करना है और उसके बाद आपको इस क्रीम को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है और ओवरनाइट छोड़ देना है। और बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो कि नीचे कमेंट करती कि हमने गोरी क्रीम को इस्तेमाल किया है कि लेकिन हमारे स्किन के ऊपर ना हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है ना किसी किसी को होती है, मैंने भी नोटिस की है, बट हर किसी को नहीं होती है, 100 में से 1 या 2 लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते तो आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस इस क्रीम का जो रिजल्ट है ना बहुत ही अच्छा है, जो कि आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट प्रोवाइड करती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह का ग्लो नहीं है, अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा सावला है ना, तो आप इस क्रीम को बिल्कुल उसमें ले सकते हो, इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने आपको नंबर बता रखा है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ओरिजिनल क्रीम मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन ओके, बाय।